अब लिटरली वाले हमारा यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पे हैकर वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जैसे कि वाले अभी आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, ये जो नया कैरेक्टर है भाई लोग, ये यहाँ पे ग्लू वॉल के आर पार मारता है। इसी के रिगार्डिंग वाले आप में से काफी सारे लोग बोले थे कि विक्की भाई हमारा यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पे क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेगी, उसके ऊपर आप यहाँ पे वीडियो बनाओ। इसीलिए भाई लोग मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना इसके ऊपर यहाँ पे फाइनली वीडियो बनाया जाए। एंड लिटरली भाई लोग आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैं आपको 10 ऐसे चेंज बताऊंगा जो कि हमारे यहाँ पे OB35 अपडेट के अंदर होने वाले हैं। एंड हमारे यहाँ पे जितने भी चेंजेस होंगे भाई लोग वो यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा भयंकर होने वाले हैं। बिकॉज जब मैंने यहाँ पे ये सारे चेंजेस देखे थे तो मैं यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा था कि ये यहाँ पे फ्री फायर गेम है या फिर यहाँ पे कोई और सा गेम है। इसीलिए आज के इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे अपडेट के साथ साथ डायमंड के भी गिव रखे। लिटरली आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि फिर से यहाँ पे डायमंड के गिव स्टार्ट कर दो। इसीलिए वाले लोग आज के इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे 100 डायमंड के 20 गिव रखे जो कि आप में से किन्हीं 20 लाख के विनर को मिलेंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे इस डायमंड गिव में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको किन स्टेप को फॉलो करना है वो भी वाले लोग मैंने आज के इस वीडियो में बताया। आज का वाला वीडियो लिटरली काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है। आइयो भाई लोग आपको आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर होगा तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो अब हम शानदार से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चेंज नंबर फर्स्ट, तो वाले हमें जो यहाँ पे सबसे पहला चेंज देखने को मिलेगा अपने OB35 अपडेट के अंदर वो यहाँ पे कतई जहरीला होने वाला है। बिकॉज वाले आपको तो पता ही है जब कभी भी हमारे पे फ्री फायर का नया अपडेट आता है तो उसके अंदर आपको पे काफी सारे नए नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार वाले हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके अंदर भी आपको यहाँ पे एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। बट वाले हमारा यहाँ पे ये जो नया कैरेक्टर होगा ये आपको नॉर्मल कैरेक्टर नहीं होगा। जैसे कि अभी तो स्क्रीन में देख ही पा रहे हो इसकी एबिलिटी यहाँ पे कुछ जादुई प्रकार की होने वाली है। ये सारे कैरेक्टर का यहाँ पे बाप होने वाला है। बिकॉज भाई जब मैंने यहाँ पे इसको सबसे पहले देखा था तो मैं भी इसको देख के काफी ज्यादा शौक हो गया था। जैसे कि भाई लोग अभी आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो इसकी एबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी है। बिकॉज ये यहाँ पे ग्लू वॉल के आर पार मार सकती है। जैसे भाई लोग आपको पता है हमारा यहाँ पे जो स्कैलर कैरेक्टर था वो यहाँ पे ग्लू वॉल को फोल्ड के एनिमी को मारता था। बट भाई लोग हमारा यहाँ पे जो अद्भुत कैरेक्टर है इसकी एबिलिटी कुछ यूनिक से ही है, ये आपको ग्लू वॉल के अंदर मार देगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे M2 भी होता है भाई लोग, वो हमारे ग्लू वॉल के अंदर से आपको डैमेज दे देता है। ठीक उसी प्रकार इसका यहाँ पे कुछ एबिलिटी होने वाला है। लाइक अगर आपने यहाँ पे इसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करा एंड अगर आपकी एबिलिटी एनिमी को जाके हिट हो गई तो उसके बाद भाई लोग आपको मजे आने वाले। बिकॉज उसके बाद अगर आप गोली चलाओगे तो आपकी गोली यहाँ पे एनिमी को जाके लगेगी जो कि हमें काफी भयंकर हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे एनिमी का रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंड वाले लोग हमारे यहाँ पे ये जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और एक कैरेक्टर फ्री में देखने को मिल सकता है। बोलते नहीं एक के साथ एक फ्री। ठीक उसी प्रकार का वाले लोग यहाँ पे कुछ सीन होने वाला है। हमारा यहाँ पे जो जस्टिन बीबर है भाई लोग इसका भी यहाँ पे कैरेक्टर आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसी वीडियो बन रही है कि जस्टिन बीबर का कैरेक्टर आने वाला है। एंड मेरे को भी यहाँ पे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसका यहाँ पे कैरेक्टर आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे जितने भी लीक मेरे को पता चले जितने भी वीडियो मैंने यहाँ पे देखी वो यहाँ पे 100% जस्टिन का ही लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये गुड न्यूज अपनी ऑडियंस को बताया जाए। चेंज नंबर सेकंड, अब भाई लोग मैं आपको यहाँ पे जो चेंज बताऊंगा ना वो चेंज यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा ऑसम है। एंड मैंने जब पर्सनली यहाँ पे ये वाला चेंज देखा था तो मेरा मन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब जैसे तो भाई लोग आपको पता ही है फ्री फायर यहाँ पे हर अपडेट के बाद डैमेज इंडिकेटर में चेंज करते रहती है। लाइक आप यहाँ पे जो एनिमी को डैमेज देते हो एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो फंड देखने को मिलता है मैं यहाँ पे उस डैमेज इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। अब पर्सनली भाई लोग अगर आप अभी जाके डैमेज इंडिकेटर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे डैमेज इंडिकेटर कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा जिसको भाई लोग गेना फ्री फायर ने काफी पहले अपडेट कर दिया था। एंड यहाँ पे 2-3 अपडेट से यहाँ पे यही डैमेज इंडिकेटर चलता आ रहा है। बट भाई लोग हमारा यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डैमेज इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा औसम है। अब भाई लोग यहाँ पे जो फ्री फायर के जो ओल्ड प्लेयर होंगे वही आपको यहाँ पे बता पाएंगे कि ये वाला डैमेज इंडिकेटर इतना ज्यादा औसम क्यों है। बिकॉज भाई लोग जब हमारे
फ्री फायर गेम स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला डैमेज इंडिकेटर देखने को मिलता था। बट जैसे जैसे यहाँ पे फ्री फायर गेम ने अपडेट करते रहा तो ये वाला जो डैमेज इंडिकेटर था उसको करीना फ्री फायर ने यहाँ पे रिमूव कर दिया था। बट फिर से वाले हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से यही वाला डैमेज इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि अभी लिटरली काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। चेंज नंबर थर्ड, अब जैसे तो वाले आपको पता ही है जब कभी भी हमारे यहाँ पे ओबी का अपडेट आता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे नए नए पैड भी देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उस पे आपको यहाँ पे एक नया पैड देखने को मिलेगा जो कि होगा हमारा यहाँ पे उल्लू। अब भाई लोग आपने यहाँ पे चील तो देख ही लिया फ्री फायर के अंदर, शेर भी देख ही लिया, कुत्ता बिल्ली भालू सब देख लिया। अब भाई लोग हमारी यहाँ पे बारी है उल्लू के आने की जो कि यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा औसम है, मेरे को तो ये वाला पैड काफी ज्यादा क्यूट सा लग रहा है। एंड भाई लोग अभी अभी जो स्क्रीन में पैड देख पा रहे हो इसका नाम यहाँ पे होने वाला है हुड। एंड जब मैंने यहाँ पे इसका नाम सबसे पहले सुना था तो मैं भी यहाँ पे सोच रहा था कि इसका ये जो नाम है भाई लोग इसके यहाँ पे फेस से मैच नहीं करता, इसका यहाँ पे कोई क्यूट सा नाम होना था। बट जो भी भाई लोग हमारा ये जो पैट है ये यहाँ पे काफी ओपी पैट है एंड इसकी एबिलिटी भी काफी ज्यादा ओपी है। अगर आप यहाँ पे मोको कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हो या फिर अगर आप यहाँ पे क्लू कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हो भाई लोग तो उस कंडीशन में आपका ये वाला पैट काफी ज्यादा वर्किंग होने वाला है बिकॉज ये मोको कैरेक्टर एंड क्लू कैरेक्टर का रेंज बढ़ा देता है। मतलब कि आपका यहाँ पे जो गोला बनता है भाई लोग उसका ये यहाँ पे रेंज बढ़ा देता है एंड उसके बाद यहाँ पे उसका जो कूल डाउन टाइम होता है उसको भी ये यहाँ पे काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे मोको कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो उसी कंडीशन में आपका ये वाला पैट काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। चेंज नंबर फोर्थ, अब हमारे यहाँ पे फ्री फायर गेम का अपडेट है एंड उसके अंदर यहाँ पे नए नए गन आए, ऐसे तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पे एक नया गन देखने को मिलेगा जो कि होगा हमारे यहाँ पे SMG गन। जैसे कि वो लोग अभी अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ बुजुर्गा टाइप का यहाँ पे नया गन आने वाला है हमारे फ्री फायर गेम के अंदर। एंड लिटरली वो लोग हमारा ये जो गन है ये यहाँ पे काफी ज्यादा औसम है एंड यहाँ पे MP40 को भी टक्कर दे सकता है। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो इसका यहाँ पे रेट ऑफ फायर भी काफी ज्यादा औसम है एंड इसका यहाँ पे डैमेज भी काफी ज्यादा है। मतलब कि ये यहाँ पे 120 का हेड दे देता है एंड कभी कभी 130 का भी हेड दे देता है जो कि अभी SMG गन के अंदर काफी ओपी बात है। बट अब लोग हमारा यहाँ पे जो नया SMG गन आने वाला है इसमें यहाँ पे रिकॉइल काफी ज्यादा होता है। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में तो देख ही पा रहे हो अगर आप यहाँ पे इस गन के अंदर 4 ग्रिप यहाँ पे वाइपर नहीं लगाओगे तो इस गन को यहाँ पे चलाने का कोई भी फायदा नहीं है। ये यहाँ पे AK जैसा रिकॉइल करता है, अगर आप यहाँ पे AK में वाइपर नहीं लगाते तो AK को लेना बेकार होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे इस गन के अंदर 4 ग्रिप नहीं लगाओगे तो इस गन को भी चलाना काफी ज्यादा बेकार है। चेंज नंबर 5, अब भाई लोग अगर आप कस्टम के शौकीन हो तो हमारा यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आने वाला है ये आपके लिए काफी ज्यादा औसम होने वाला है बिकॉज हमारे यहाँ पे जब OB35 का अपडेट आएगा तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसपे आप फ्री में कस्टम ज्वाइन हो सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएटिव मोड की बात नहीं कर रहा जिसपे आपको फ्री में ग्लू वॉल मिलता है, मैं भाई लोग यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे जो प्यारा दुलारा वाले येल्लो कस्टम है मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। एंड हमारे यहाँ पे जब OB35 का अपडेट आएगा तो आप अभी ये जो येल्लो कस्टम है भाई लोग इसको आप फ्री में खेल पाओगे। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो यहाँ पे फ्री फायर के अंदर यहाँ पे एक ओपी से ऑप्शन आने वाला है जिसपे आपको फ्री का कस्टम देखने को मिलेगा। मतलब कि जिस कस्टम के अंदर पासवर्ड नहीं होता वो सारे कस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे उस कस्टम में जाना होगा तो सिंपल सा ज्वाइन कर लेना। एंड अगर सामने वाला बंदा राजी होगा आपको कस्टम खिलाने के लिए तो आप फ्री में भी कस्टम खेल सकते हो जो कि अब लिटरली काफी ज्यादा औसम होने वाला है। तो गाइस जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था आज के इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे डायमंड के गिव अवे रखे है। बेसिकली गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे 100 डायमंड के 20 गिव अवे रखे है। एंड अगर आपको उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे गाइस मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करके दिखा रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड सेकंड स्टेप में गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, जो पेज अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो सेम पेज को आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। गाइज आप यहाँ पे ध्यान दो, जो बंदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेगा उसी को यहाँ पे गिव अवे मिलेगा। इसीलिए भाई लोग ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। एंड सबसे लास्ट स्टेप में गाइज आपको यहाँ पे करना क्या है, आपका यहाँ पे जो UID है उसको आपको सिंपल सा अपने कमेंट बॉक्स पे दे देना है। आप यहाँ पे जितना UID अपने कमेंट बॉक्स पे दोगे आपके चांसेस यहाँ पे उतने ज्यादा बनेंगे हमारे इस गिव अवे को जीतने के लिए। इसीलिए भाई लोग क्या ही कर रहे हो, फटेक्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो एंड आपका यहाँ पे जो UID है इसको आप कमेंट बॉक्स पे भी दे दो। चेंज नंबर 6, अब भाई लोग आपको यहाँ पे तो पता ही है जब कभी भी हमारे पे फ्री फायर का नया अपडेट आता है तो उसके बाद आपको नया नया
अभी भी देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा तो उसके अंदर आपको यहाँ पे नया लॉबी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे नए नए फंड देखने को मिलेगा। जो फंड वालों का पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, ये फंड आपको फिर से रिटर्न में देखने को मिलेगा हमारे OB35 अपडेट के अंदर। अगर आपको यहाँ पे याद होगा, जो फंड अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो ये फंड यहाँ पे काफी ओल्ड फंड है। लाइक जब हमारे यहाँ पे फ्री फायर गेम सबसे पहले आया था तो उसके अंदर आपको यहाँ पे ये वाला फंड देखने को मिला था, बट अपडेट के बाद इसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। बट फिर से वाले हमारे यहाँ पे जो अपडेट आएगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो नया लॉबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके अंदर आपको फिर से यही वाला फंड देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। चेंज नंबर 7, अब हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पे सेटिंग में भी काफी सारे चेंज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज आपको यहाँ पे कस्टम HUD में देखने को मिलेगा। आपको तो पता ही है भाई लोग, इससे पहले गई ना फ्री फायर ने कस्टम HUD में चेंज करा था, जिसमें आप मैप को रिमूव कर सकते थे। मतलब कि सबसे पहले हमारा जो मैप था वो यहाँ पे स्टील था, एंड अपडेट के बाद इसको यहाँ पे रिमूवेबल बनाया गया, जिसके बाद आप मैप के साइज को बड़ा कर सकते थे एंड मैप के साइज को आप छोटा कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार हमारा जो OB35 का अपडेट आएगा उसके अंदर वाले आपको यहाँ पे जो आइटम वाला ऑप्शन होता है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। लिटरली वाले हमारा ये जो आइटम वाला ऑप्शन था इसको आप गए ना फ्री फायर ने स्टार्टिंग से स्टील करके रखा था, मतलब कि आप इसको यहाँ पे हिला नहीं सकते थे। बट वाले हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके बाद आप इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे जहां मन करे इसको आप रख सकते हो, जो कि आप काफी अच्छी बात होगी। एंड इसके बाद वाले हमारे यहाँ पे जो नया कस्टम HUD होगा इसमें यहाँ पे सारी चीजें ऐसी होगी जिसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आपको सिंगल ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे स्टील हो। मतलब कि आपकी स्क्रीन के सामने पे जितने भी आइकन होंगे उन सारे आइकन को आप यहाँ पे रिमूव कर पाओगे हमारे OB35 अपडेट के बाद। चेंज नंबर 8, अब लोग हमारे यहाँ पे जो OB35 का अपडेट आएगा उसके बाद आपको भी स्टोर में भी चेंज देखने को मिलेगा। अब जब हमारे यहाँ पे लॉबी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टोर भी चेंज होगा। एंड जो भाई लोग अभी पीछे बैकग्राउंड में स्टोर देख पा रहे हो, ऐसा स्टोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसपे आपको फंड भी चेंज देखने को मिलेगा, आपको लेआउट भी चेंज देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको आइटम भी चेंज देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे जो स्टोर के अंदर आइटम देखने को मिलते हैं उसमें भी आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अपडेट के बाद आपको काफी सारी चीजें गोल्ड में भी देखने को मिलेगी एंड आपको काफी सारी चीजें फ्री में भी देखने को मिलेगी, जो कि उन बंदों के लिए काफी अच्छी बात होगी जो यहाँ पे कम टॉपअप करते होंगे। मैं तो यहाँ पे भाई काफी कम टॉपअप करता हूँ एंड अगर यहाँ पे कोई भी चीज गोल्ड में मिलेगा तो भाई मैं यहाँ पे सबसे पहले उसी पे हाथ मारूंगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे फ्री की चीजें काफी ज्यादा पसंद है, मैं यहाँ पे फ्री की चीजें नहीं छोड़ता। चेंज नंबर 9, अपडेट के बाद वो लोग हमारे यहाँ पे जो किल मार्क है इस पे भी आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप अभी यहाँ पे किल करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिलता है हेडशॉट पे एंड बॉडी शॉट पे। बट वो लोग हमारे यहाँ पे जब OB35 का अपडेट आएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा हमारे बॉडी शॉट एंड हेडशॉट के अंदर, जो कि अभी काफी बेकार मेरे को तो लग रहा है। आपको यहाँ पे ये वाला आइकन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। चेंज नंबर 10, अब हमारे यहाँ पे जब OB35 का अपडेट आएगा तो उसके अंदर आपको नए नए मैजिक क्यूब के बंडल भी देखने को मिलेंगे। अब भाई लोग आपको तो पता ही है, जब कभी भी हमारे यहाँ पे कोई नया अपडेट आता है तो उसके बाद आपको मैजिक क्यूब के अंदर नए नए बंडल देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ पे जब OB35 का अपडेट आएगा तो उसमें भी आपको नए नए मैजिक क्यूब के अंदर बंडल देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको कौन से नए बंडल देखने को मिलेंगे ये तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, बट हाँ मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको बंडल देखने को मिलेगा फिर से आपको 30 बंडल देखने को मिलेगा, कोई OP बंडल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आइयो बलोग अभी आपको आज का हमारा याला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का हमारा याला वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन वालों को आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। एंड अगर होगा तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, लव यू, टेक केयर।